हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस फॉर यू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और आज का जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा एटम्स क्या है, मोलिक्यूल क्या है और एटॉमिक मास की कैलकुलेशन हम किस टाइप से करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स की कि एटम्स क्या है और उसको आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं या एटम्स को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो अगर हम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो एटम वो पार्टिकल है मैटर का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। वो या तो अपने ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है ना, कोई बॉन्ड बनाकर, या वो मेटालिक फॉर्म में रहता है, मतलब मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे नॉट बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। आप ये बोल सकते हैं एटम की डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं। दूसरी अगर आप बात करें यहाँ पर एग्जांपल की, तो एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कुछ एटम तो हमारे ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट मतलब एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप मेटल्स की बात करें, कॉपर है आपके पास, सिल्वर है या आयरन है या सोडियम है, ये क्या है, ये जितने भी एटम्स हैं ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंसी है इनकी। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि दीज मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर, ये जितने भी हैं ये अपने एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बारे में क्या लिख सकते हैं आप, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये एटम की डेफिनेशन है, एटम्स के एग्जांपल हैं। कुछ ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं इसके बारे में एटम के कि जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। तो दूसरी बात ये लिख सकते हैं आप इसके बारे में कि इट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन these does not lose its identity, अपनी आइडेंटिटी loses its identity। तो ये लिख सकते हैं आप एटम्स के बारे में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है हाइड्रोजन एटॉमिक अपनी मॉलिक्यूल फॉर्म में H2, ऑक्सीजन भी O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं H2O। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ हाफ लगा दिया है, तो यहाँ पर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, नाइट्रोजन में चेंज नहीं हुआ या ऑक्सीजन किसी अदर एटम में चेंज नहीं हुआ। तो आप ये बोल सकते हैं कि एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की कि एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल को। तो बात करते हैं मॉलिक्यूल की कि मॉलिक्यूल क्या है और उनको कितने तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब वो कितने टाइप्स के होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल
तो अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला रह सकता है ना। तो ये मेन डिफरेंस है एटम्स में और मॉलिक्यूल में। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ये मैटर की क्लासिफिकेशन है, मैटर को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि मैटर को आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, इसके कितने टाइप्स होंगे, तो यदि एक मॉलिक्यूल में दोनों ही एटम्स सेम एलिमेंट के हैं तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो आप उसे हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे H2O है ना, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, O2 या O3, सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे करें कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइप की हम बात करेंगे यहाँ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि those molecules which are made up of, those molecules which are made up of atoms of same element, जिसमें same element के atoms present होंगे, उसे बोलेंगे आप होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करें यहाँ, जैसे O2 है, O3 है, या S8 है ना, P4 है, सभी मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं सभी। O3 मॉलिक्यूल में भी सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। सल्फर मॉलिक्यूल में भी सभी के सभी एटम्स किसके हैं, सल्फर के। और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में भी सभी के सभी एटम्स किसके हैं, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल के हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एटम्स सेम हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसे बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं यहाँ पर हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होंगे जहाँ डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करें, H2O दो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, NH3 यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं, HCl यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल को बोलते हो आप हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, कि एटॉमिक मास को किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है उसकी। तो अगर हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें, या किस सपोज हमें किसी कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन का, है ना, हम उसके एक एटम का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी जो एग्जैक्ट किसी एटम के मास को कैलकुलेट कर सके। तो हमने स्टार्टिंग में रेफरेंस मानकर चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जैसे फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स वालों ने भी हमें समझाया कि किस तरीके से हम चीज़ों का मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक रेफरेंस मानते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मास हमने मान लिया 1 kg। इस सिलेंडर का मास क्या मान लिया हमने, 1 kg। और हम किसी इसके रेस्पेक्ट में हम किसी
पीस का हमारे पास कोई टुकड़ा है उसका मास हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई मेजरिंग मेजरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हमने मेजरमेंट रखेंगे और एक तरफ हम रखेंगे हम वो अपना जिस पीस का हम मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसे आप यहाँ लिख ले चाहें थोड़ा सा अलग। हमने एक सिलेंडर माना कितने के जी का, 1 kg। हमने मान लिया कि जो सिलेंडर है वो कितने के जी का है, 1 kg। एक तरफ हमने कोई पीस रखा और आप इस एक तरफ हम सिलेंडर रखते चले गए, तो हमने देखा कि इस टुकड़े का जो मास था वो कितने सिलेंडर से बैलेंस हुआ। तो सपोज़ वो जो मास था इस टुकड़े का वो हमारा 6 सिलेंडर से बैलेंस हुआ है ना। हम सिलेंडर रखते गए और लास्ट में जाके हम क्या हुआ कि जो इस टुकड़े का जो मास था वो 6 सिलेंडर से क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो हमने बोला कि इस पीस का जो मास है वो 6 सिलेंडर के इक्वल है, 6 सिलेंडर के इक्वल है। ऐसे ही सपोज हमारे पास कोई बी ऑब्जेक्ट है और इस बी ऑब्जेक्ट को हमने इस मेजरिंग मशीन में रखा और इधर रखते गए हम सिलेंडर, हमने देखा कि जो हमारा बी ऑब्जेक्ट था उसका जो मास है वो 25 सिलेंडर से क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो हमने बोला कि जो इसका मास है या वो कितना हैवी है सिलेंडर से, 25 टाइम्स हैवी है, ओके। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, कंपैरिजन करना कि कितना हैवी है इससे, ओके। तो ये जो सिलेंडर था वो हमें बार बार लिखना पड़ रहा था, है ना। यहाँ पर भी आपने क्या लिखा, सिलेंडर। तो क्यों ना हम इस सिलेंडर को एक यूनिट मान लें, तो हमने इसे एक यूनिट दे दिया। तो हमने बोला कि जो टुकड़े का जो हमारे पास पीस था उसका मास कितना है, 6 kg, और जो हमारा बी ऑब्जेक्ट था उसका मास कितना है हमारा, 25 kg, ओके। तो ये रेफरेंस माना, उसके रेस्पेक्ट में हमने चीज़ों का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट करा। तो अगर हम किसी एलिमेंट के एक एटम के मास कैलकुलेट करने की बात करें तो वो भी क्या है, वो भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया और उसके लिए जो रेफरेंस एटम माना वो था हमारा कार्बन 12, जिसे स्टैंडर्ड मान के चले। और उसके रेस्पेक्ट में हमने बात की कि कोई किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो इस कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हैवी है, और उसी के रेस्पेक्ट में हमने चीज़ों का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो बात करेंगे अब यहाँ पर किसी एलिमेंट के एक एटम का मास किस तरीके से निकाला स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई भी टेक्निक नहीं थी जिसके थ्रू हम किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट कर पाए। तो हमने क्या करा, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड माना जिसके रिलेटिव में हमने चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, और वो स्टैंडर्ड था हमारे पास कार्बन 12 एटम। और ये देखा गया कि इससे उसका कंपैरिजन किया गया कि 1/12 मास ऑफ 1 carbon 12 एटम, कि किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम है इस यूनिट के कंपैरिजन में कितना हैवी है, उसी के रेस्पेक्ट में एटम के एटॉमिक मास को एक्सप्लेन किया गया। तो बात करते हैं, जैसे सपोज अगर हम कहने लगे कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो हमने कहा कि जो नाइट्रोजन एटम का मास था एक नाइट्रोजन एटम का वो 14 टाइम्स था इस यूनिट के। तो लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात करें, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे क्या था उसका मास कितने टाइम्स था इस यूनिट के, 16 टाइम्स। तो हमने बोला 1/2 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ऐसे ही अगर हम सोडियम एटम के मास की बात करें, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो हमने बोला कि 23 टाइम्स हैवी था वो, 23 टाइम्स था किस यूनिट के, इस यूनिट के, 1/12 इंटू दिस।
तो लिख सकते हैं आप 23 इंटू 1 बाई 12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके, तो ये जो ये वाली यूनिट थी हमें बार बार लिखनी पड़ रही है ना, जितने भी आप मास लिख रहे हैं एटम के, ये इस यूनिट को आपको हर जगह लिखना पड़ रहा है। तो क्यों ना इस चीज़ को हम एक यूनिट मान लें। तो इसी को बोला गया एटम के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी जगह हमने लिख दिया, हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट किसकी जगह लिख दिया, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। इस पूरी यूनिट की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 AMU। तो अगर आप इनकी बात करें तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम हो जाएगा आपका 14 AMU। ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा अब आपका 16 AMU। ऐसे ही मास ऑफ वन सोडियम एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 23 AMU। तो हमने इस पूरी यूनिट को 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम को क्या मान लिया, 1 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब बात करते हैं कि जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होगी वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे या वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो जब हम, अगर हमारे पास ये कार्बन 12 का मास आ जाए तो हम एग्जैक्ट एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद हमारे पास टेक्निक आई जिससे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट, जिसे आप मास स्पेक्ट्रोमीटर बोल सकते हैं या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। तो वहाँ से इस कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट हुआ और उसकी हेल्प से हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो देखो कैसे करेंगे। तो 1 AMU की वैल्यू तब पता चलेगी जब कार्बन 12 एटम का मास एग्जैक्ट पता चले। तो वो कौन सी टेक्निक बताती है हमें, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हुआ क्या कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से या मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमने क्या करा, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और ये जो मास कैलकुलेट होके आया ये था हमारा 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम। ये एग्जैक्ट मास आया किसका, कार्बन का ग्राम में। तो अगर हम 1 AMU की बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, तो वो क्या था, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो 1/12 इंटू ये कितना है मास ऑफ वन कार्बन एटम, 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो आएगा आपका 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम। और ये किसकी वैल्यू आई, 1 AMU की, 1 AMU की। तो यदि आप किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास बताएं, जैसे सपोज हम बोलने लगे यहाँ कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या था हमारा, हाँ 14 AMU। तो अगर आप इसे ग्राम में कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 14 × 1.66 × 10^-24 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम की बात करें, 1 ऑक्सीजन एटम की बात करें तो आप लिख सकते हैं 16 AMU। और AMU की वैल्यू क्या है, 16 × 1.66 × 10^-24 ग्राम। तो इस तरीके से हमने किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड एलिमेंट मान के। ठीक है, तो अगर आप अब एटॉमिक मास की को एक्सप्लेन करें कि एटॉमिक मास को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं एटॉमिक मास को किस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास एक नंबर ही है ना।
और वो नंबर है जिसमें स्टैंडर्ड एलिमेंट क्या माना आपने, कार्बन 12। तो आप एटॉमिक मास को यहाँ पर लिख सकते हैं, एटॉमिक मास क्या, इट इज अ नंबर विच एक्सप्रेस ए एन एटम हाउ मैनी टाइम्स ऑफ एन एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम तो आप ये लिख सकते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक इस यूनिट के कंपैरिजन में कोई एटम का मास कितना हैवी होगा, इस तरीके से हमने किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज होती है आपकी एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम उन एलिमेंट के लिए यूज करते हैं जो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। आप जानते हैं आइसोटोप किन्हें कहते हैं, वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं आप, आइसोटोप्स। तो एवरेज एटॉमिक मास जो टर्म है आइसोटोप्स के लिए ही यूज की जाती है, और एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमें सीखना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास क्या है आपका, एवरेज एटॉमिक मास तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम, आइसोटोप्स के लिए। तो लिख सकते हो दिस टर्म इज यूज्ड फॉर आइसोटोप्स एंड वी नो दैट आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो आपकी एवरेज एटॉमिक मास टर्म थी वो यूज की गई उन एलिमेंट्स के लिए जो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक है हमारे पास क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 35 और दूसरा आइसोटोप है इसका 17 क्लोरीन 37। तो क्या है, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। तो अगर आप इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है m into a1 plus n into a2 upon m plus n। इस फॉर्मूले की हेल्प से a1 क्या है इसका मास, a2 क्या है इसका मास, m और n क्या है इनकी नेचुरल अबेंडेंस के नेचुरल में किस परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम इनकी नेचुरल अबेंडेंस की बात करें, नेचुरल अबेंडेंस मतलब कितनी परसेंटेज में ये एग्जिस्ट करते हैं, तो क्लोरीन 35 75% एग्जिस्ट करता है इन नेचुरल
और ये एग्जिस्ट करता है 25%। ठीक है, इसका मतलब ये 3:1 के रेशो में होता है। 3 रेशो किसका होता है? क्लोरीन 35 का, और 1 रेशो किसका होता है? क्लोरीन 37 का। तो एक इसकी वैल्यू है एम की, एक इसकी वैल्यू है एन की। तो अगर आप एवरेज एटॉमिक मास निकालें यहाँ पे, तो एवरेज एटॉमिक मास होगा आपका, एम की वैल्यू कितनी है? 3। A1 क्या है? क्लोरीन 35 का मास, मतलब 35 प्लस। N क्या है आपका? 1। और A2 क्या है? 37 अपॉन 3 प्लस 1। तो अगर आप ये देखें तो 105 प्लस 37 अपॉन 4, यह आ जाएगा आपका 142 बाई 4, और यह आ जाएगा आपका 35.5। तो ये जो 35.5 है ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो जब हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं, ना तो क्लोरीन 35 लिखते ना ही क्लोरीन 37 लिखते, इन दोनों का एवरेज यूज करते हैं। जब भी क्लोरीन लिखते हैं हम, तो लिखते हैं क्लोरीन 17, क्लोरीन 35.5। तो ये बात थी एवरेज एटॉमिक मास की। ओके, तो एवरेज एटॉमिक मास केवल हम आइसोटोप्स के लिए ही यूज करते हैं, और उनकी नेचुरल अबंडेंस हमें पता होनी चाहिए, जिससे आपको M और N की वैल्यू पता चल जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।